हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट बहुत परेशान है और स्टूडेंट की परेशानी देख पाना यार मेरे बस की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे भर के मैसेज आ रहे हैं, सर क्या करें, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपके लिए यार मैंने खुद सीईटी सर को कॉल किया यार, फाइनली कॉल करके मैंने फिर सब कुछ एग्जैक्ट पता किया। अब आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ और कॉल रिकॉर्डिंग सुन के थोड़ा सा आप रिलैक्स हो और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज कर रहे हो कम करो। बाकी इतने सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतना कर रहा हूँ और कैच करूँ यार, बताओ आप। ठीक है, तो चलो कॉल रिकॉर्डिंग सीईटी सेल की सुनते हैं, उसके बाद आपको मैं कुछ उसके ऊपर बताता हूँ। तो चलो हेलो सर, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। सर मैंने इस बार QTM की पेपर दी थी सर, और अभी मेरे पेपर में सर दो बार तो सर मेरा पेपर खुद लॉग आउट हुआ था, और मैंने अपने जो एग्जाम में इन्विजिलेटर थे उनको भी बताया था। पर अभी मैं सीटी अपना इनवैलिड एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ तो इनवैलिड बता रहा है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्या? मैंने मेल भी कर दिया सीटी तो अभी सर वो मेल का क्या रिप्लाई आ रहा है और मेरा इनवैलिड बता रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो वेट कीजिए, मेल के रिप्लाई आएगा आपको 25th तक। मेल का रिप्लाई आएगा कब तक आएगा सर? 25th। 25th सर, पर आज लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन फॉर्म की? हाँ आज लास्ट डेट है, बट आपने ये आपका इनवैलिड दिखा रहा है तो आप 25th तक रुकिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपका क्या है, कैसा रीजन होगा, क्या रहेगा, एडमिट कार्ड सब आ जाएगा आपको। ओके, 25th को मेल के थ्रू आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब ओके, आप लोग चेक करके बता देंगे। ठीक है सर, हाँ 25th तक के लिए आपको बोला मिलेगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबने सुनी लिया होगा यार, कि देखो यार आप सभी के लिए था यार, उन्होंने फाइनली ये बोला है आप मेल कर दो, अगर मेल नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। फाइनली आज रात तक मेल कर दो, रात के 10 बजे तक जितने भी उनके पास मेल आए होंगे वो कल का टाइम लेने वाले हैं, 24 तारीख का पूरा हर एक मेल को अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वो लोग 25 को बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो जो जो एलिजिबल होगा वो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी भरी ना तो भी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका दे देंगे। ठीक है, पर जो एलिजिबल नहीं होगा वो उसको मैसेज कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं थी। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो साथ ही साथ उन्होंने अपने बातों बातों में ये भी बता दिया है कि आपकी जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो 25 तक आ जाएगी। तो देखो एडमिट कार्ड भी लग रहा है 25 को रिलीज हो जाएगी, तो होप करता हूँ थोड़ा सा आपको हिंट मिला होगा। 25 को नहीं तो 26 को, मैंने कहा था पेपर 28 तक हो जाएगा, तो इसीलिए पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।